आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। माँ विंध्यवासिनी धाम पहुँचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने राहुल गांधी को सुनाई गई सजा पर जजमेंट को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस निर्णय में कई खामियां हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार में लोकतांत्रिक संस्थाएं समाप्त हो रही हैं। देश में ऐसा पहली बार हो रहा है, जिसने लाखों करोड़ों रुपए लूटे वो अडानी बाहर है, जिसने लुटाया वो भाजपा सरकार बाहर है, और जिसने इसके विरुद्ध आवाज उठाई उसको कारावास मिला, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। इस तानाशाही सरकार को हटाने के लिए सभी विपक्ष को एकजुट होकर 2024 चुनाव में एक साथ आना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट में अपील करेगी, साथ ही फाइल तैयार हो रही है जिस पर कानूनी सलाह ली जा रही है। इसके अलावा हम जनता के बीच जाकर पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे। 1977 में इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त कर उन्हें जेल भेजा गया था। संघर्ष के बाद इंदिरा गांधी फिर 1980 में सत्ता में लौटी थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस के अगले कदम के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि पहले हम आगे की कार्रवाई पर ध्यान देंगे। साथ ही देर इसलिए हो रही है क्योंकि पूरा जजमेंट गुजराती भाषा में है, सुप्रीम कोर्ट में अपील अंग्रेजी भाषा में स्वीकार की जाती है। दूसरा, हम कानूनी राय लेंगे, जनता के दरबार में जाएंगे। 2024 में कांग्रेस की वापसी और भाजपा की रवानगी होगी। मिर्जापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। जो राहुल गांधी कहते थे वही मैं दोहरा रहा हूँ, इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म हो रही है, लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है। मैं माँ विंध्यवासिनी को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ और मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि यह पहली बार हो रहा है जिसने लूटा लाखों करोड़ रुपए वो अडानी बाहर, जिसने लुटवाया भाजपा सरकार वो बाहर, और जिसने दोनों के बारे में आवाज उठाई वो 2 साल के लिए कारावास की सजा, सदस्यता समाप्त। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसी को कलयुग कहते हैं, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को आवाज उठाने के वाले के खिलाफ, जैसा पुराने जमाने में हम सब सुनते थे, उसकी आवाज को खामोश करना कहते हैं। वरना ये इत्तेफाक नहीं देख रहे हैं आप कि राहुल गांधी सहित कांग्रेस सहित सारा विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है? सदन सामान्यता विपक्ष व्यवधान पैदा करता है, यह पहली बार हो रहा है कि विपक्ष व्यवधान नहीं कर रहा है, सत्तारूढ़ दल सदन नहीं चलने दे रहा है। कहीं उनकी, मैं वही शब्द दोहरा रहा हूं जो राहुल जी ने दोहराया है, कहीं उनकी चोरी ना पकड़ी जाए। और जब जांच होगी जेपीसी की तो जिसने लूटा है वो भी दोषी साबित होगा और जिसने लुटवाया है वो भी दोषी साबित होगा, वो भी दोषी साबित होगा। तो आप देखें ना क्या इत्तेफाक हुआ, राहुल गांधी ने आवाज उठाई उनकी सदस्यता गई, जिसने पूरे विपक्ष ने किया उसकी आवाज खामोश कर दी गई। तो कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं इस देश में लोकतंत्र खतरे में है। जो लोग ऐसा महसूस करते हैं उन्हें एक मंच पर आना होगा तानाशाही को रोकने के लिए आगामी चुनाव के लिए। यह वक्त की जरूरत है, वक्त की आवश्यकता। अगर राहुल गांधी को हम ऐसे साबित कर देंगे जैसे आप बोल रहे हैं, आपको चिंता हमारी नहीं बीजेपी की, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने पूछा कि इनको पहले इनको ले लेने दो, मतलब इनका इरादा जाहिर हो गया ना, बट इनको पहले हम ठंडा करें। एमएलए कौन है जिसने कंप्लेन की है, किसने पैरवी की है? रुक जाओ, धीमे धीमे बोलो। बीजेपी की यह घटना कहां घटित हुई है? कोलार में, कर्नाटक में। सुनी कहां गई है? सूरत में, गुजरात में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का क्षेत्र है। तो अगर कंप्लेन बीजेपी की है तो मैं किसको कहूं आप दोषी हो, इसलिए बीजेपी दोषी। कोर्ट से अगर रिलीफ नहीं, ईडी इनकम टैक्स तो आती है मोदी जी के अंतर्गत, ये जो लालू यादव पे हो रहा है तो क्या यादव लोग अब अपर कास्ट हो गए?
ये जो कर्नाटक वाले पीईडी का छापा पड़ रहा है, मैंने कोर्ट के फैसले की बात नहीं कर रही, तो सरकार सीधे करा रही है। शिव कुमार जी क्या वो अपर कास्ट हो गए? हमारे हरजन अध्यक्ष पे, अनुसूचित जात हरजन पे जो हो रहा है, तो क्या वो सवर्ण हो गए? अब सवर्ण इतने बुरे भी नहीं है, तो इसे मैं कहना चाहता हूँ एक घटिया राजनीति, उनकी तो आलोचना खुलकर कर सकता हूँ, भाजपा की गिरी हुई राजनीति, असंसदीय राजनीति, जितनी आलोचना की जाए कम है इस घटिया पार्टी का, कि जो एक कोर्ट के फैसले का वर्गीकरण कर रही है अपर कास्ट, बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट। अब अगला स्टेप सर क्या होगा कांग्रेस का? दो होंगे हमारे अगले स्टेप। ये सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने। पहला होगा कि हम अपील में जाएंगे, हमारी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान साहब, हमारे विवेक तनखा जी, और आप आश्चर्यचकित होंगे कपिल सिब्बल जी, ये चारों लोग अपील तैयार कर रहे हैं। जो विलंब हो रहा है इसलिए हो रहा है कि जजमेंट गुजराती में है, और 150 पेज गुजराती को सुप्रीम कोर्ट तब स्वीकार करता है जब इंग्लिश में, तो मुझे उम्मीद है कि मंडे को ये फाइल हो जाएगा, और मंडे ट्यूजडे तक पहले हम शायद हाई कोर्ट जाएंगे, या हम लोगों ने अपनी लीगल टीम पे छोड़ दिया है कि वो पहले गुजरात जाएं या यहाँ आए, वो तय करेंगे। अब दूसरा क्या है, हम लीगल रेमेडी लेंगे, कानूनी राय लेंगे। दूसरा क्या है कि हम पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे, जनता के दरबार में जाएंगे, और उसके लिए मैं कांग्रेस जनों से आह्वान करता हूँ कि पूरी ताकत के साथ उसी अंदाज में, उसी तेवर में, उसी तरह काम करें जैसे सन 77 में शिकायत हुई थी, सन 78 में इंदिरा जी को जेल भेजा गया था और सदस्यता समाप्त की गई थी। इतिहास अपने को दोहराए, 78 में इंदिरा जी को जेल भेजा गया था, उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, 80 में लौटकर आई थी। वैसे ही राहुल गांधी जिनकी सदस्यता रद्द हुई है, जिनका अब चेहरे से नकाब उतर चुका, उन्होंने 12-14 घंटे में आप फैसला सुना दें। दूसरा, हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम जनता की अदालत में अपनी बात सही ढंग से रख पाए तो 2024 हमारा है, लोकतंत्र की वापसी का है, भाजपा की रवानगी। सर लास्ट क्वेश्चन है, बीजेपी ये कह रही है कि इतनी बड़ी क्वेश्चन क्या है, ये आपने नहीं कहा है, ये कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस दिक्कत ये है कि सरकार में कई गैर पढ़े लिखे लोग हैं, समझे, उनमें से एक अनुराग ठाकुर ने कहा है। भैया ये जजमेंट तब लागू होता, जो आपने सवाल किया, जब थॉम्सन का केस नहीं आया था, थॉम्सन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया है कि जैसे ही जजमेंट सुनाया जाएगा, द मोमेंट द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, वहां 11:00 कुछ मिनट पर सुनाया गया, उसके बाद से लागू हो गया है। दो टेक्निकल चीजें आपको और समझा दूं मैं, दो चीजें होती है, एक सेंटेंस जो आप सुनते होंगे कि जज साहब ने फैसला सुना दिया कि आप दोषी हैं, अब आपको फिर उसके बाद होता है तो वो होता है कन्विक्शन, दोष सिद्ध, फिर उसके बाद वकीलों को सुना जाता है कि आप सजा सेंटेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो द मोमेंट कन्विक्शन हो गया, सजा सुना दी गई, उसी समय सदस्यता चली गई, समाप्त हो गई। अब गैर पढ़े लिखे कैबिनेट मंत्री ये बोल रहे हैं कि वो लोग क्यों नहीं गए, तो मैं उनसे कहूंगा कि पहला लॉ मिनिस्टर और पहले ये लोग हैं जो कभी हाईकोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस नहीं की, मेरी जिंदगी तो हाईकोर्ट से शुरू हुई है। ये जज साहब ने क्या किया, उन्होंने सेंटेंस तो स्थगित कर दिया 2 साल का, 1 माह के लिए, कन्विक्शन नहीं किया, चाहते तो कर सकते थे। तो ये बहुत से सवालों का जवाब, मेरा ये जवाब आपको देगा कि जज साहब क्या क्या कर सकते थे। जज साहब 1 दिन की सजा सुना सकते थे, जज साहब वार्निंग दे सकते थे, पर अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर होता, कई बार सजा याफ्ता होता, तो उसको उनको लिखाना चाहिए जजमेंट में। वो तीसरा पॉइंट है हमारा अपील में कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, ये हमेशा करते रहते हैं, इनका इरादा ये है,
दो साल की सजा देने में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि क्या वजह है कि आप मैक्सिमम पनिशमेंट दे रहे हैं। जैसे मैं इसे आसान करने के लिए आपको समझा दूं कि अगर हत्या हो, हत्या का दोष सिद्ध हो जाए तो सामान्यतः आजीवन कारावास दिया जाता है, 10 साल दिया जाता है। परंतु अगर फांसी देना है जो इसमें दी गई है तो उसके लिए आपको कारण बताना पड़ेगा कि हम फांसी क्यों दे रहे हैं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।